अस्सलामु अलैकुम साथियों, हम आपको बता दें ये इज्तिमा होने जा रहा है 3/4/5/2023 फरवरी, मरकज़ निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद की गाइडलाइंस पर ये इज्तिमा होने जा रहा है। ये इज्तिमा जो है वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, सीरिया लियोन एक जगह है, वहाँ पर ये इज्तिमा होने जा रहा है। और इस इज्तिमा मरकज़ निज़ामुद्दीन से कौन हज़रत तशरीफ़ लेकर जाएंगे इसकी अभी कोई डिटेल नहीं आई है। अगर कोई डिटेल आती है तो वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। हज़रत जी मौलाना साद साहब की फ़िक्र, मौजूदा हज़रत जी मौलाना साद साहब तकरीबन 22 सालों से मकातिब और मस्जिद की आबादी पर ज़ोर दे रहे थे, ख़ास हज़रत जी की बातों को अहमियत दी गई होती तो आज आलम का नक्शा ही बदल गया होता, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो साथियों, ये हज़रत जी की फ़िक्र हैं कि हमारी जो है मसाजिद और मकातिब जो हैं किस तरह से जो है 100% आबाद हो जाए। तो ये हज़रत जी के 22 सालों से इसी के ऊपर हज़रत जी की जो है फ़िक्र है, मेहनत है, तो ये हमने आपके सामने रखी। साथियों, इस वीडियो के मुताबिक आपकी जो भी राय हो वो आप हमारे साथ शेयर करें इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे और कोई नई अपडेट लेकर। जब तक आप हज़रात अपनी दुआ में हमें याद रखना।